हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं नवरात्रि स्पेशल रेसिपी काले चने की। काले चने बनाने के लिए हम एक कप चना लिए थे। इसको हम पूरी रात पानी में भिंगो कर रखे हैं। रात में जो पानी डाल के रखे थे हम उसको निकाल के साफ पानी से धो लिए हैं सुबह में। अब हम काले चने को प्रेशर कुकर में डाल लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे पानी एक गिलास और एक छोटा चम्मच नमक और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब हम प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा के इसको हीटर में चढ़ा लेंगे और 4-5 सीटी लगने देंगे। आप देख सकते हैं चना अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब हम कढ़ाई चढ़ा लेंगे और इसमें डालेंगे सरसों तेल 2 चम्मच, जीरा 1/2 चम्मच, 2 हरा मिर्च कटा हुआ और इसे हम थोड़ा सा भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे जीरा पाउडर 1 छोटा चम्मच, गोलकी पाउडर 1 छोटा चम्मच, हल्दी पाउडर 1 छोटा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1/2 छोटा चम्मच। ये सब डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे काला चना बॉईल किया हुआ। सब डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक 1/2 चम्मच। चना बॉईल करने टाइम ही हम नमक डाल चुके थे, इसलिए अभी हम थोड़ा सा ही नमक डालें। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालना है क्योंकि सूखा हुआ ही बनाना है हमें। इसे हम थोड़ा देर पका लेंगे। आप देख सकते हैं हमारे काले चने बनकर तैयार हो चुके हैं। आप इसे माता के भोग के लिए बनाइए या फिर आप इसे ऐसे भी बनाकर खा सकते हैं। ये बिना लहसुन प्याज का है। काले चने बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। आप भी इसे ज़रूर बनाएं और कमेंट करके बताएं कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।